हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम मोबाइल से कैसे आपका यूट्यूब वीडियो का एंड स्क्रीन और इन्फो कार्ड ऐड करना है वो देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग मोबाइल यूज़ करता है, इसलिए हम आज उसी को देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है, उसमें यूट्यूब स्टूडियो करके टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको जो सबसे पहले मिलता है YouTube Studio बोल के ऑप्शन, उसी को क्लिक करना है। नीचे वाला में क्लिक करने से आपका सीधा YT Studio का जो ऐप है उसमें चला जाएगा। उसके बाद जैसे आपका टैब खुल जाएगा तो आपने रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेगा आपको डेस्कटॉप मोड अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आपका जो YT Studio का जो वीडियोस का ऑप्शन है उसमें क्लिक करो। वीडियोस का ऑप्शन में मैंने क्लिक कर दिया। अभी मेरे को जो वीडियो में एंड स्क्रीन या इन्फो कार्ड ऐड करना है, पहले हम करेंगे एंड स्क्रीन। आप वो वीडियो क्लिक करो, उसके बाद एडिट वाला ऑप्शन में क्लिक कर लो। एडिट वाला ऑप्शन क्लिक करते ही आपको ऐसे एक नया पेज मिल जाएगा। इसमें आप देख लीजिए, एंड स्क्रीन का एक ऑप्शन है और इन्फो कार्ड का ऑप्शन है, दोनों आपका जो नीचे वीडियोस का नीचे जो है अवेलेबल है। मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, एंड स्क्रीन और इन्फो कार्ड्स। तो आप अभी हम पहले करेंगे एंड स्क्रीन का ऑप्शन। एंड स्क्रीन में आप क्लिक कर लो। एंड स्क्रीन में जैसे आप क्लिक करेगा आपको एक अलग टैब ओपन हो जाएगा। एंड स्क्रीन आप 6 तरीके से लगा सकता है। इसमें एक प्लेलिस्ट या दो वीडियो, एक आपका चैनल का लोगो, उसको बोलता है सब्सक्राइब बटन, ऐसे करके मतलब आप अलग अलग स्टाइल में आप इसमें अप्लाई कर सकता है। अभी आप इसमें देख सकता है, इसमें 3 ऑप्शन है, मोस्ट रिसेंट अपलोड है, बेस्ट फॉर व्यूअर है और ऑन, जो अभी आपको जो वीडियो सेलेक्ट करना है उसका एक ऑप्शन है। अभी हमने एक वीडियो मेरा पसंद का मैं लगाना चाहता हूँ एंड स्क्रीन में, मैंने सेलेक्ट कर दिया वो वीडियो को, अभी ये आ गया। और दूसरा में एक और मैंने प्लेलिस्ट ऐड करना है, प्लेलिस्ट वाला और एक वीडियो का और एक सब्सक्राइब बटन का मैंने ऐड सेलेक्शन किया हुआ है। अभी मैंने एक प्लेलिस्ट और ऐड कर दिया। अभी जो प्लेलिस्ट आपको ऐड करना है आप उसको क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अभी ये उसके बाद आपने ये करना है, दोनों ऐड हो गया। उसके बाद सेव वाला बटन, सेव वाला जो बटन ऊपर दिखाई दे रहे हैं उसमें क्लिक करना है। सेव जैसे आप करेगा वैसे आपका सेव हो जाएगा। आप जैसे एंड स्क्रीन लगाते हो वैसे उसका टाइम एडजस्ट हो जाता है। अभी मेरा ये 4:10 से स्टार्ट है और लास्ट वीडियो के एंड तक है 4:32 तक आ गया है एंड स्क्रीन। अगर आपको आगे पीछे करना है तो आप ऐसे कर सकता है। अभी मैंने 4:15 में कर दिया, उसके बाद सेव वाला बटन दबा दूँ, सेव हो जाएगा ये। अभी हमारा एंड स्क्रीन सेव हो गया। नेक्स्ट है इन्फो कार्ड। अभी इन्फो कार्ड कैसे ऐड करना है, अभी आपने कार्ड्स में क्लिक करना है। कार्ड्स में जैसे क्लिक करेगा आपको ऐसे एक पेज मिल जाएगा। आप एक वीडियो में टोटल 5 कार्ड्स लगा सकता है। आप सबसे पहले आपका टाइमिंग एडजस्ट कर लो 1 मिनट में, मैंने यहाँ पर 1 मिनट कर दिया, टाइमिंग एडजस्ट कर लिया। टाइमिंग एडजस्ट करने के बाद इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा वीडियो करना है, प्लेलिस्ट करना है या चैनल का करना है, कोई लिंक देना है, ऐसे करके 4 ऑप्शन अवेलेबल है। अभी हमने तो इधर एक वीडियो ऐड कर रहे, वीडियो में क्लिक कर लो। उसके बाद जो पसंद वाला आपका वीडियो आपने इन्फो कार्ड में दिखाना चाहता है वो वीडियो क्लिक कर लो तो ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा उसमें। अभी हम एक वीडियो सेलेक्ट कर दिया, आप देख सकता है। अभी फिर आपने सेलेक्ट करने के बाद टाइमिंग एडजस्ट कर लो, अगला इन्फो कार्ड कहाँ लगाना है। अभी हमने इसमें 3 मिनट पर फिर दोबारा एक इन्फो कार्ड और लगा रहे। लगाने के बाद अभी ऐड कर लो, ऐड में वीडियो, प्लेलिस्ट, आपको चैनल लगाना है, जो मर्जी आपको। अभी मैं दोबारा एक और वीडियो ऐड कर रहा हूँ, ये वीडियो एक और ऐड में कर दिया। अभी 2 वीडियो ऐड हो गया मेरा इसमें। उसके बाद आपने सिर्फ ये करना है, सेव वाला बटन जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, सेव वाला बटन क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक आपका सेव हो जाएगा। अभी हमारा एंड स्क्रीन और इन्फो कार्ड दोनों
सेव हो चुका है। अभी हम चलते हैं, ये काम करता है कि नहीं है अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं। मेरा YouTube चैनल का मैंने ओपन कर दिया, यूअर चैनल में फिर क्लिक कर लो। अभी वीडियोस का ऑप्शन में क्लिक कर दिया और वीडियो अभी हम प्ले करके देखते हैं। वीडियो हमने प्ले कर दिया, वीडियो अभी हमने एक मिनट में लगाया था फर्स्ट में, एक मिनट में अभी चेक कर लेते इन्फो कार्ड आता है कि नहीं, ये आ गया। नेक्स्ट अभी हमने लगाया था तीन मिनट में, कुछ तीन मिनट में एक बार और चेक कर लेते। अभी तीन मिनट में लगा दिया, अभी तीन मिनट में आता है कि नहीं ये इन्फो कार्ड देखते हैं। ये आ गया, दूसरा इन्फो कार्ड आ गया। अभी हमने चेक करना है एंड स्क्रीन। अभी एंड स्क्रीन हमने लास्ट में मतलब चार मिनट पंद्रह सेकंड में लगाया था, अभी वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखो आ गया, एंड स्क्रीन भी आ गया। ऐसे करके आप लोग अपना वीडियो में एंड स्क्रीन और इन्फो कार्ड ऐड कर सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और यूज़फुल लगा है तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।